ये गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं रमजान थे, अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि एक कार्मिक मैस्कुलिन है जो हाथ धो करके एक डिवाइन फेमिनिन के पीछे पड़ गया है, ठीक है। एंड वी विल सी कि उसके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। मैं बॉक्स में से कुछ नाम नंबर और मैसेजेस मैं निकालना चाहती थी, ठीक है। वहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद विल सी कि क्या है, ठीक है। ओके, सारे जो नाम और नंबर जो है पहले उन्हें कर लेंगे, ठीक है। जो छोटे मैसेजेस आते हैं हमारे पास उन्हें देख लेंगे, फिर बड़े मैसेजेस में देखेंगे। आज की एनर्जी बहुत लाइट रही, लाइक पूरे दिन दी एनर्जी इज़ प्रिटी लाइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्मी नहीं था, बट ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी रही। ओके, वी हैव 3070 एंजल नंबर। नीताबली, NEETABABLI, नीताबली। साइमा, अरे साइमा आपकी नाम, आपका नाम आ गया है। संतोष, उमिका, कृतिका, मिष्टू, फाल्गुनी, रजत, नायला, पारुल, ऑक्स स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट। अच्छा, जो नंबर्स एनिमल स्पिरिट नेम, ठीक है, फ्लावर नेम निकल के आएगा ना, आप लोग गूगल करके उनके मीनिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। वी हैव जीनिया फ्लावर, गीतांजलि, द लेटर टी, वी हैव शापुनी, ओल्ड बॉक्सेस, ओल्ड बॉक्सेस, अच्छा वो वाला देखना पड़ेगा। गगन, काजल, नीतू, संगीता, उमेर, UMAIR, उमेर, ओके। 4191 एंजल नंबर। वी हैव कुशाल, वी हैव स्मृति, वी हैव नैना, वी हैव रिजवान, वी हैव सचिन, अपर्णा, वी हैव तपस्या, वी हैव डायनासोर स्पिरिट विच टेल्स मी कि ये जो कार्मिक पर्सन है ये या तो कलेक्ट करते हैं डायनासोर, वो जो टॉयज आते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, डायनासोर मूवीज़ उन्हें पसंद हो सकता है, कोई ऑब्सेशन है उनका, शौक है उनका डायनासोर्स, या फिर उनका जो सोच है वो बहुत पुरानी है। वी हैव विनीता, वी हैव इग्नोर, ओके। सो ओल्ड बॉक्सेस एंड इग्नोर की दैट टेल्स मी कि कोई इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। प्रॉब्ली कोई पुरानी किताब हो सकता है, ज्वेलरीज हो सकती है, या कोई लेटर वगैरह हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई पेपर्स हो सकते हैं जो एक बॉक्स के अंदर है, कोई पुराने बॉक्स के अंदर है जो आपको खोल के देखना चाहिए, ठीक है। अब हम बड़े मैसेजेस देख लेते हैं। आई हेट मॉर्निंग्स, तो ये पर्सन सुबह उठना उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें रात अच्छी लगती है। वी हैव दिस इज़ नॉट अ गेम, आर लाइव्स आर नॉट अ गेम, आर लव इज़ नॉट अ गेम, ओके। सो ये डिवाइन फेमिनिन कह रही है कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, हमारी जिंदगियाँ ये सब तुम्हारे जिप पर नहीं टिके। आई फील कि ये जो कार्मिक मैस्कुलिन एनर्जी है ना, बहुत ही ज़िद्दी है, ज़बरदस्ती अपनी इच्छा को इस डिवाइन फेमिनिन के ऊपर लाने की कोशिश करें कि आई वांट यू तो आई वांट यू,
ठीक है, ये डिवाइन फेमिनिन की बाउंड्रीज की, उनकी इच्छाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके लिए ये गेम है, एंड ये डिवाइन फेमिनिन कह रही कि हमारी लाइफ कोई गेम नहीं है, सो स्टॉप फकिंग विथ मी। वी हैव अ सेक्शुअली ड्रेन्ड। तो अगर ये डिवाइन फेमिनिन, नहीं, दे आर सेइंग दिस इज नॉट डिवाइन फेमिनिन, दिस इज द कार्मिक मैस्कुलिन, ये सेक्शुअली ड्रेन्ड हो चुके, विच टेल्स मी इसके सेक्शुअल एडिक्शंस है, ठीक है। वो दूसरों के साथ सेक्शुअली इंटरमेट होते हैं, एंड प्रॉब्ली किसी के साथ इंटरमेट होने के चलते उनकी जो एनर्जी है वो ड्रेन्ड हो गई है, एंड ऑल्सो ब्लॉक्ड हो गई है। तो उनका रूट चाक्रा सेक्रल इस वक्त ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं वो डिवाइन फेमिनिन के पीछे इसलिए भी पड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें डिवाइन फेमिनिन से हीलिंग एनर्जी मिलती है। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ जिनके दिमाग में ये बात आ रहा है ना कि तरस खा करके थोड़ा हील कर दो प्लीज़, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ऐसी बातें भी अपने दिमाग में मत लाइयो। वी हैव रीड द बुक। ओके, सो ये बुक वाली एनर्जी, पेपर वर्क वाली एनर्जी दोबारा यहाँ पर निकल के आ रही है, तो विच टेल्स मी कोई 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 कुछ पेपर्स है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो इस डिवाइन फेमिनिन के हाथों में लगना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, इस कार्मिक से पीछा छुड़वाने में या उनका सामना करने में उन्हें बहुत मदद करेगी, ठीक है ना। या ये डिवाइन फेमिनिन के कुछ पेपर वर्क्स को, कुछ पर्सनल प्रॉब्ली पासपोर्ट्स एंड यू नो बैंक पेपर्स, शायद ये कार्मिक मैस्कुलिन ने अपने पास ना रख लिया है और किसी पुराने बॉक्स में लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन के लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती जब तक ये कार्मिक उसके पर्सनल पेपर्स को अपने पास बांध के रखे हुए। वी हैव आई विल पुट देम इन देयर प्लेस, आई कांट अफोर्ड टू लेट एनीवन हर्ट यू, मी और अस। ओके, सो ये डिवाइन फेमिनिन जो है ये अकेली ही इस सिचुएशन से जूझ रही है, स्पेशली अगर कोई बेबी है उसका, ठीक है, कोई बेटा या बेटी है, तो ये मैसेज डिवाइन फेमिनिन का उनके बच्चे के लिए है और उनके लवर के लिए है कि वो इस सिचुएशन, इस कार्मिक के साथ, इस ब्लैकमेलिंग कार्मिक एनर्जी के साथ वो अकेले ही जूझ रही है और किसी को भी इसमें इन्वॉल्व होने नहीं देना चाहती है, ये किसी को पता लगने नहीं देना चाहती है बिकॉज वो जानती है ये कार्मिक मैस्कुलिन थोड़ा सा सनकी हो सकते हैं एंड दूसरों को हर्ट कर सकते हैं फिजिकल लेवल पे। एंड इफ ये डिवाइन फेमिनिन मैरिड है, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि उनके लवर को अगर पता चले, लाइक उनका पार्टनर को अगर पता चले इस कार्मिक मैस्कुलिन के बारे में, तो वो थोड़ा सा जजमेंटल हो सकता है, लाइक वो अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहती अपने इस कार्मिक मैस्कुलिन के लिए, ठीक है ना। सो शी इज़ काइंड ऑफ आउट ऑफ प्रोटेक्शन, वो सबको इस चीज़ से दूर रख रही है, बट देन शी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे जब फाइट्स हो और आपके अपने आपके साथ हो ना, तो फाइट करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अपने फैमिली ट्राइब का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। वी हैव रन, ओ माय गॉड, ये डिवाइन फेमिनिन लिटरली सिचुएशन से भाग जाना चाहती है, लाइक उन्हें रह रहे कि ऐसे ख्याल भी आ रहा है कि कैसे, कहाँ मैं भागूँ, किस डायरेक्शन में भागूँ। वी हैव द बुल स्पिरिट एज वेल, ये यहाँ पर छुपा हुआ था ये कार्ड, विच टेल्स मी ये जो कार्मिक मैस्कुलिन है ये छुप कर वार करते हैं, ठीक है ना। एंड डिवाइन फेमिनिन इज़ लाइक कम्प्लीटली सराउंडेड, उसे नहीं पता कि नेक्स्ट कहाँ से क्या हो जाएगा। वी हैव कार्मिक ब्रदर, तो ये जो कार्मिक मैस्कुलिन है ये कोई उनका कार्मिक ब्रदर हो सकता है जो हाथ धोकर के डिवाइन फेमिनिन के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। वी हैव एक्सेप्टेंस, आई वॉज अफ्रेड आई वोंट बी एक्सेप्टेड, एग्जैक्टली लाइक आई सेड कि डिवाइन फेमिनिन नहीं चाहती थी कि उनका जो शादी है या उनका जो
रोमांटिक रिलेशनशिप है वो बिगड़े, ठीक है, लोगों को पता चले या उनके पार्टनर को, उनके लाइफ पार्टनर को, ये डिवाइन पार्टनरशिप हो सकते हैं, ठीक है, उनका सोलमेट हो सकता है, उन या उनका ट्विन हो सकता है जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो नहीं चाहते कि उनके पार्टनर को इस बारे में पता चले, बिकॉज उन्हें डर था कि ये पर्सन जजमेंटल हो जाएंगे और उन्हीं पर शक करने लगेंगे कि क्यों कोई तुम्हारे पीछे इस तरीके से हाथ धोकर पड़ा हुआ है, तुम ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, ठीक है। वी हैव डिम्पल, ओके, ये कौन नाम यहाँ पर आया है, वी हैव हेट्स योर कॉन्फिडेंस, ओके, सो ये कार्मिक मैस्कुलिन जो है ये आपके डिवाइन फेमिनिन के कॉन्फिडेंस को भी बहुत हेट करते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन डट के मुकाबला कर रही होगी, कॉन्फिडेंट होगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बट अब उन्हें डर लगने लगा है कि अगर पार्टनर को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लाइक वो प्रॉब्ली शो नहीं होने देती कि उसको एक्चुअली डर लगता है कि उसके पार्टनर को पता चले तो शायद उसका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। आई टुक यू अवे फ्रॉम देम बिकॉज दे वर कर्सिंग यू अननेसेसरीली पेन, ओ कॉजिंग अननेसेसरी पेन, ओके, या ये डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर इस कार्मिक मैस्कुलिन से रेस्क्यू किया गया था, ठीक है ना, ताकि ये कार्मिक मैस्कुलिन उन्हें और तंग ना कर सके, बिकॉज ये कार्मिक मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ख़तरनाक है, ठीक है, वो बार बार करके उन्हें उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, दुश्मनों की तरह बिहेव कर रहे थे, तो यहाँ पर उनका उन एंजल्स का वहाँ से उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। नेवर गॉट ओवर यू, ये कार्मिक मैस्कुलिन कभी भी इस डिवाइन फेमिनिन को भुला ही नहीं पाए, नेवर गॉट ओवर, ठीक है, इट हर्ट वे मोर देन यू विल नो, या ये इस कार्मिक मैस्कुलिन का जो ऑब्सेशन है ना डिवाइन फेमिनिन को लेकर के, ये खुद ही उसके लिए सफ़र करता रहता है, लाइक ज़बरदस्त तरीके से वो ऑब्सेस करता रहता है। प्रॉब्ली ये कार्मिक मैस्कुलिन का कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक ये डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी, उसके लाइफ में कोई नया पर्सन है, ठीक है, एंड ये कार्मिक मैस्कुलिन के लाइफ में भी कोई नया पार्टनर हो सकते हैं, पर वो उसको छोड़ करके डिवाइन फेमिनिन के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, उसका ऑब्सेशन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। या दिस इज़ अ थीफ एनर्जी बॉस, ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पर फीड करना उसे पसंद है, एकदम जोक की तरह वो बार बार करके ये डिवाइन फेमिनिन के पास आता है, इस प्रॉब्ली सेक्सुअल एनर्जी के लिए, उसकी एनर्जी को ड्रेनड आउट करने के लिए। विद दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिस टेल्स मी ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, लाइक ये पास्ट लाइफ से चलता आ रहा होगा। ओके, गिव मी सम मोर मैसेजेस ऑन दिस वन प्लीज। या वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स चॉइसेस बट स्टैग्नेंट, लाइक ये कार्मिक एनर्जी जो है ना ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है इस टाइम पे जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये बेटा स्टैग्नेंट हो गया है, ठीक है। विद द टावर कार्ड वो बहुत बुरी तरीके से उसको रियलिटी चेक मिल रहा है, वो जानता है कि जब भी वो डिवाइन फेमिनिन के पीछे जाता है ना, पागलपंती करता है, तब भी उसके लाइफ में एक टावर हिट होता है, उसे एक रियलिटी चेक मिलता है कि वो तुम्हारी नहीं है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती अपने आप को उसके मर्ज़ी के खिलाफ उसकी उसे डिसरिस्पेक्ट करते हुए अपने फैसलों को, अपने मर्ज़ी को उसके ऊपर थोपना बंद करो, ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बांधने की कोशिश करना बंद करो, ठीक है ना। तो डिवाइन यहाँ पर चीज़ों को अपने हाथों में लेकर के फटकार लगाते ज़रूर है, ठीक है, बट ये कार्मिक मैस्कुलिन, इट्स लाइक उसे पहले भी वार्निंग मिल चुका है विद द टावर कार्ड, उसे पहले भी वार्निंग मिल चुका है कि तुम्हें ये नहीं करना है, पर वो रुकता नहीं है, उसे अलग अलग तरीके से ना उसे वार्निंग मिलता है कि डिवाइन फेमिनिन का रास्ता छोड़ो, उसका पीछा छोड़ो, डोंट ट्रबल हर,
ये कार्मिक मैस्कुलिन अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करता है जब भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, या ये समझ में उसको नहीं आता है कि डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है. द फैक्ट कि वो डिवाइन फेमिनिन को उसके लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके बारे में पता नहीं कर सकता है, तभी उसको लगता है जैसे उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है. इट्स लाइक जब तक वो डिवाइन फेमिनिन पर उसका एक असर था, ठीक है, प्रॉब्ली डिवाइन फेमिनिन इस कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में थी पास्ट में, ठीक है, एंड वो रोमांटिकली इन्वॉल्व थी इस पर्सन के साथ, अगर ये ब्रदर है तो वो उसका भाई थे, ठीक है ना, तो ये कार्मिक ब्रदर अपने बहन को कंट्रोल करने में, या ये कार्मिक रोमांटिक पार्टनर का उसे मज़ा आता था डिवाइन फेमिनिन के ऊपर, जब वो कोई असर छोड़ जाता था ना, उसको तंग करने में वो सफल हो जाता था, उसे हर्ट करने में, कोई रिएक्शन पाने में. इट्स लाइक द फैक्ट कि उसका एक असर होता है डिवाइन फेमिनिन के ऊपर, ये उसे एक उसे पावरफुल फील कराता था कि हाँ मेरा असर है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है ना. बट अब उसे वो पावरफुल और विक्टोरियस फील नहीं होता है, ठीक है ना, बिकॉज ये डिवाइन फेमिनिन इस बंधन से मुक्त हो चुकी है, ठीक है ना, अपने आप को मुक्त कर चुकी है अपने एंसेस्टर्स और डिवाइन के हेल्प से. एंड द फैक्ट कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, पता नहीं कर सकता कि डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसको लगता है जैसे उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है. द फैक्ट कि वो एक फेमिनिन को दमन नहीं कर पा रहा है, तो इससे उसकी जो मर्दांगी है ना वो बहुत हर्ट हो रहा है यहाँ पर. व्हाट अ वीक एस मदरफकर. या आई फील डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर बहुत अपसेट हो करके इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाले थी. इट्स लाइक उसके लिए बहुत पेनफुल था कि कोई रिलेशनशिप या कोई इंसान इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है. लाइक अगर आप ये डिवाइन फेमिनिन हो, आपको बहुत झटके लगे थे कि एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक हैवान कैसे छुपा हुआ रह सकता, तो उसकी हैवानियत आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है. ये कार्मिक मैस्कुलिन ये डिवाइन फेमिनिन को सेक्शुअली भी अब्यूज़ कर चुके हैं. तो बड़ा टॉक्सिक निकला, डिस्गस्टिंग. अपने बहन पर बुरी नज़र डालता है, लाइक सेक्सुअली उसको अब्यूज़ कर चुका है. ये भाई होकर के अपने बहन के साथ कैसे कर लेते हैं, कैसे टॉक्सिक है यार. ओके, ये कार्मिक मैस्कुलिन इस वक्त बिल्कुल भी आपके आसपास नहीं आ पाते. द फैक्ट कि अगर आपको उनसे डर लगता है ना, तो उन्हें बहुत मज़ा आता है. इट्स लाइक आपको डराने में, धमकाने में, अपने काबू में रखने में, उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलने में, आपके कॉन्फिडेंस को, उन्हें बहुत मज़ा आता है. बट द फैक्ट कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, प्रॉब्ली आपके डिवाइन फेमिनिन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने जब इस पर्सन की रियलिटी को देखा, आपको थोड़ा सा समय लगा संभलने में, रियलाइज़ करने में कि आप क्या फेस कर रहे हो, उसके बाद आप अपने आप में आ पाए, ठीक है. आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा अपने आप को हील करने में, अपने कॉन्फिडेंस को वापस बिल्ट अप करने में, बट यू डिड बिल्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड नाउ दिस पर्सन हेट्स यू, ठीक है. आपके कॉन्फिडेंस को वो हेट करते हैं. दे इवन हेट द फैक्ट कि आप अपने आप को छुड़वा करके वहाँ से निकल गए, ठीक है. नाउ दिस पर्सन इज़ इन स्ट्रेस, ठीक है ना, विद दैट नाइन ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेस्ड कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हो. लाइक बहुत ही सीरियस किस्म का दिमाग है इस पर्सन का. या दे सेइंग कि ये कार्मिक ब्रदर या ये जो भी एक्स कार्मिक रोमांटिक पार्टनर है आप लोगों का, इसकी प्रॉब्ली शादी भी हो चुकी है, पर वो अपना काम, अपना घरवार, अपना पार्टनर सब कुछ भूल करके उसका पूरा जो फोकस है ना, उसका बस चले वो अभी इसी वक्त आपके पास पहुंच जाए, आपके दरवाजे पर खटखटाए. वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज्ड रहो, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई और बंदा आपके पास भी जाए. कैसा भाई है यार,
ये भाई है? छी, भाई बने के रिश्ते को एकदम खराब करके रखा हुआ है। डिस्गस्टिंग। या ये इनकी जो शादी हुई है ना जिस पर्सन के साथ, ये इज़ अ वेरी वीक फेमिनिन, ठीक है, फाइनेंशियली ब्रोक फेमिनिन। ये एग्जैक्टली, एंड उन्हें उन्हें वीक फेमिनिन्स बहुत पसंद है, ठीक है ना, एंड दे हेट इट कि आप उन वीक फेमिनिन्स के कैटेगरी में नहीं पढ़ते हो। इस पर्सन ने पास्ट में शायद आपके पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत बुरा असर डालने की कोशिश किया होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई बंद करने की कोशिश की होगी, आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए होंगे ताकि आप काम पर ना जा सको। इट्स लाइक आप काम पे जाते थे और आप ज़बरदस्ती लड़कों से छेड़खानी करवाते थे, या फिर आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाते थे कि तुम बाहर जा रही हो, ज़रूर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तुम गलत चीज़ें, लाइक यू नो, उल्टी पुल्टी कैरेक्टर पे उंगली उठा, चरित्र पे उंगली उठाने लायक ऐसे इल्ज़ाम वो आप पर लगाते थे ताकि आपका जो आत्मसम्मान है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो कमज़ोर पड़ जाए और आप चार घर की चार दीवारी के भीतर ही रहो। वो खुद आपको हर्ट करते थे, आपको सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो आपको हर्ट करते थे, एंड वो आपको ऐसे जताते होंगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी अपनी खुद की नीचता में उन्हें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता था, पर वो चाहते थे कि सबको ऐसा लगे कि आप प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है ना। या दे वॉन्टेड टू कीप अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, वो लोगों से इस बात को छुपा करके रखना चाहते थे कि वो चार दीवारी के बीच में कितना बड़ा डैश हो जाता है, ठीक है, एंड वो चाहते थे कि हमेशा सबके मन में, दिल और दिमाग में ना यही बात रहे कि शायद आपके चाल चलन में ठीक, मतलब कुछ गड़बड़ है। बट देन द सीक्रेट्स आर कमिंग आउट बिकॉज द मून कार्ड इज अपराइट, माइट बी अप पाइसीज, ठीक है, आप एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन में हो। इट्स लाइक लोग ना यकीन नहीं करते हैं इस पर्सन की बातों पर, लाइक ये सबके सामने अपने अपने उसका जो अपीयरेंस है ना वो बहुत ही साफ दिखाते होंगे, ठीक है, एंड आपको बहुत गलत शो करते होंगे, बट देन द सीक्रेट्स आर कमिंग आउट कि एक्चुअली स्टोरी उल्टी है, ठीक है, बिकॉज इवन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दैट पेन, डिवाइन फेमिनिन, आई लाइक कॉन्ग्रेचुलेट यू कि किसी अपने के हाथों इस तरीके से इंसल्ट होना, इस तरीके से हर्ट होना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता है, ठीक है, एंड आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, आपने अपने आप को सिचुएशन से आपने बाहर निकाला, एंड द फैक्ट दैट आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो एंड दैट आप अपने जगह पे एकदम सॉलिड हो, इट्स लाइक आप जितना लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, लोगों को आपके आपका ग्लो दिखाई दे रहा है, देर इज़ अ डिवाइन ग्लो दैट एमिनेट्स फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से बाहर वो ग्लो आता है एंड लोगों को दिख रहा है दैट जैसे आपको दिखाया जा रहा था ना, जिस तरीके की बातें आपके बारे में बताई जा रही थी, आप वैसे हो नहीं, ठीक है, यू आर वेरी वेरी मच लविंग एंड केयरिंग और बहुत ही जेनरस किस्म के इंसान हो, यू आर अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। आपके भीतर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों ही बहुत सॉलिड तरीके से काम करता है, लाइक आप अपने फिजिकल लेवल पे भी, लाइक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप अपनी जगह बना चुके हो, या अपनी जगह बनाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो और वो लोगों को दिखता है, ठीक है ना, वो लोग देख सकते हैं कि आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, लाइक कुछ हद तक लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, बट आपने कभी हार नहीं माना, आप फिजिकल मटेरियलिस्टिक
वर्ल्ड में भी आपने अपने मैस्कुलिन अपने पुरुष का इस्तेमाल करते हुए मैस्कुलिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने फाइनेंस को स्टेबलाइज कर लिया है, ठीक है। साथ में आप दिल से आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है आप अपने आप के साथ डिवाइन के साथ अपने इंट्यूशन के साथ भी बहुत सॉलिड तरीके से कनेक्टेड हो। सो यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, ठीक है, बहुत ही थॉटफुल हो एंड आपकी जो बातें हैं आपकी जो थॉट प्रोसेस वो मीनिंगलेस नहीं है, बहुत ही मीनिंगफुल है, ठीक है ना। इट्स लाइक जब आप बात करते हो तो दो लोग खड़े होकर के सुनते हैं क्योंकि उनमें कुछ मीनिंग छुपा होता है, कुछ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आप कहते हो जिससे लोगों को आपकी बातें सुन करके एक सुकून एक हीलिंग रिसीव होती है। पीपल लव योर ऑरा, ठीक है। तो अगर पास्ट में लोगों ने इस कार्मिक एनर्जी का साथ भी दिया भी होगा, आपके साथ बदतमीजी उन्होंने की भी होगी, आपकी इंसल्ट उन्होंने किया भी होगा, उन्हें ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त पश्चाताप हो रहा है। दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने आपके रियलिटी को आपको आप एज अ रियल पर्सन आप ऑथेंटिकली जो हो वो आपको समझ नहीं पाए। देर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट वाली एनर्जी यहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के तरफ से जिन्होंने इस कार्मिक का साथ दिया था या उनकी बातों में वो आ गए थे, उनके तरह ही टॉक्सिक थे या उन्होंने बस सुन के ही आपको जज कर लिया था। दीज पीपल आर वेरी अपसेट विद देमसेल्व्स कि उन्होंने प्रॉब्ली आपको बोलने का भी मौका नहीं दिया। इट्स लाइक वो पहले से अपना मन बना चुके थे आपके बारे में, ऑलरेडी वो राय बना चुके थे, तो इसके बाद आपका कुछ भी बोलने का तो मतलब ही नहीं होता, राइट। आप कुछ भी बोलो वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू जो ये कार्मिक मैस्कुलिन ने उन्हें बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ब्रेन वॉशिंग हुआ है, ठीक है ना। एंड दीज पीपल आर रियलाइजिंग कि उन्होंने गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया था, स्पेशली जो लोग ऐसे इट्स लाइक यूजुअली वो वैसे नहीं करते हैं, बट उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने बस एक इंसान की ऐसी बात सुन करके उन्होंने कैसे आपको जज कर लिया, उन्हें बुरा लग रहा है बिकॉज अब वो लोग भी आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो आपके कांटेक्ट में नहीं आ सकते। प्रॉब्ली इस वक्त आप बहुत अच्छे पोजीशन में, एक स्टेबल पोजीशन में हो एंड दे मिस यू, दे वांट टू टॉक टू यू। अब जब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है दैट नहीं आप एक अच्छे सोल हो, ठीक है, ऑथेंटिकली एक रियल पर्सन हो एंड उन्हें आपसे दोस्ती करनी चाहिए थी, आपको मौका देना चाहिए था। यू आर समबडी रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग से बाहर से ही अंदर से भी एंड उन्होंने मिस कर दिया ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दे सी यू एज लाइक एज द सन, ठीक है, मून का एंड सन का दोनों ही निकल के यहाँ पर आ गया है। सो दैट डिवाइन एनर्जी द बैलेंस ऑफ द यंग एंड यंग, ठीक है ना। ऑर्डिनरीनेस भी आ गया है विच टेल्स मी इट्स लाइक द इन्फिनिटी रिसाइड्स इन यू, ठीक है ना। तो दैट बैलेंस एनर्जी, बहुत ही सिंपल और लविंग केयरिंग किस्म के इंसान हो आप इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ड्रीम कम ट्रू देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ ये पास्ट के लोग भी है जिन्होंने पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से हार्श तरीके से आपको जज किया था एंड प्रॉबली आपके साथ जब गलत हो रहा था तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनेबल कर दिया था, उसमें साथ दिया था या चुपचाप खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। कहीं ना कहीं उनका मन भी आपके तरफ बदलने लगा, उनका राय बदलने लग गया है, से यू माई गॉड ये तो हमारे ड्रीम पर्सन की तरह है ये डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, मैंने कैसे ये चीज़ को मिस कर दिया, उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है। ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कार्मा फॉर दिस कार्मिक ब्रदर स्लैश कार्मिक एक्स। ये बहुत ही टॉक्सिक मैस्कुलिन है बॉस, स्ट्रेट अप। इसे इसके भीतर कुछ भी स्टेबल नहीं है, इसको इसे बहुत परेशानी होने वाली है। लाइक कंसिस्टेंटली आई फील कि एक तो ये है कि द फैक्ट कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके लाइफ को डोमिनेट नहीं कर सकते,
वो अपने आप में उन्हें बहुत तंग करता है, ठीक है। साथ में देर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस जो ट्रांसफॉर्म होने का नाम नहीं ले रहे। इट्स लाइक पास्ट में अगर उनके पास इनकम के जो जरिए थे वो जरिए भी कहीं ना कहीं अब बंद होने लगे हैं। लाइक लोगों को इसकी टॉक्सिसिटी दिखाई दे रहा है एंड पीपल आर लाइक वो अपने एनर्जी को इससे पीछे ले रहे। लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते, दे जस्ट वॉन्ट टू किक हिम आउट एंड हियरिंग। वी हैव इंटीग्रेशन, ओके। आप में से कुछ लोगों ने इसे अपना लाइफ पार्टनर या अपना ट्विन फ्लेम समझने की आपने भूल की थी, ठीक है। इंटीग्रेशन ये रिवर्स्ड आया है, दैट टेल्स मी कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका फॉल्स ट्विन था। ये सोलमेट भी हो सकते हैं, जो बाद में ये कार्मिक आपने रियलाइज़ किया कि नहीं ये मेरा सोलमेट नहीं, मेरा कार्मिक है, ठीक है ना। आई फील कि आपका जो सिस्टम है ना, लाइक यू एज अ सोल एज एन इंडिविजुअल, आपका पूरा सिस्टम इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहा था और आप ही कहीं ना कहीं अपने आप को ना मनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कि ये इंसान इतने भी बुरे नहीं हो सकते, इतने भी बुरे नहीं हो सकते। आपका इंट्यूशन ना, आपका हायर सेल्फ, ठीक है, आपकी अंतरात्मा बार बार करके आपको कह रही थी कि ये इंसान की नीयत ठीक नहीं है बॉस आपके तरफ, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे उन्हें बार बार करके, प्रॉब्ली पास में आपने मौके दिए थे, ठीक है। आपको लगा होगा कि नहीं शायद मुझसे ही समझने में शायद भूल हो रही है, बट आई फील कोई कोई बहुत ही वी हैड द टावर कार्ड, दैट मीन्स कि कोई बहुत ही बड़ा घटना घटी थी, कुछ तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया था, या फिर आपको शायद याद आ गया होगा कि इस पर्सन ने आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया था, ठीक है, एंड दैट वाज इट, ठीक है। प्रॉब्ली आपको इट्स लाइक आपको शायद आप बहुत छोटे थे, या फिर बहुत अंधेरिंग रूम में बहुत अंधेरा होने की वजह से शायद आपको पता नहीं चला था कि किसने आपको अब्यूज़ किया था, पर बाद में शायद आपको हाथों हाथ सबूत मिल गए थे एंड यू रिकॉल कि आपको अब्यूज़ करने वाला कोई और नहीं, ये कार्मिक ब्रदर ही थे, ठीक है ना। सो आपने डिसाइड किया कि आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी और कोई यू नो कनेक्शन रखोगे नहीं, कोई इट्स लाइक यू रैन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वी हैड द रन कार्ड राइट, दैट टेल्स मी कि यू रैन अवे। इट्स लाइक आपको अपनी इज्जत बचा करके भागने की जरूरत पड़ गई थी, बिकॉज ये पर्सन हाथ धो करके आपके पीछे पड़ गया था, ये अभी भी कहीं ना कहीं आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए। इट्स लाइक दे डोंट, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें कोई शर्म नहीं है, कंसिस्टेंटली इसके लाइफ में टावर हिट कर रहा है, अपना जॉब लूज कर रहा है, इसके पैसे जा रहे हैं, ठीक है, लोग इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, डिवाइन के तरफ से इन्हें कंसिस्टेंटली रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, वार्निंग्स मिल रहे हैं, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये कोई असुर ही होगा भाई, आई एम सेइंग सेम, ये पक्का कोई असुर होगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हो, लाइट वर्कर्स हो विद दैट कॉन्शियस कार्ड, एंड कुछ ट्विन फ्लेम्स हो, कोई चोजन वन हो यहाँ पर, आप में से कुछ लोग यहाँ पर चोजन वन भी है, ठीक है, स्टार सीड्स या विद दैट एग्जिस्टेंस कार्ड, दैट्स स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर रेनबो कम्युनिटी से भी हो सकते हो, LGBTQ कम्युनिटी से, इससे आगे मुझसे बोला नहीं जा रहा, बहुत सारे और ऐड हुए थे राइट, मुझे LGBT ही याद है। या आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, आप अपना सर उठा करके आगे की तरफ देखो, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड दे आर सजेस्टिंग कि आप मदद लो,
स्पेशली अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो ना, आप इंगेज्ड हो गए हो या मैरिड हो गए, और ये कार्मिक मैस्कुलिन, चाहे वो आपका भाई हो या कोई रोमांटिक एक्स हो, वो आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो ये प्लीज़ इस बारे में आप अपने पार्टनर से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकते, और वो आपकी आपका साइड नहीं ले सकता, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या आपको अगर डर लगता है कि कहीं ये आपका नया पार्टनर भी आपके एक्स की तरह ना निकले, कि उन्हें आपके बारे में पता चलते ही कहीं वो आपके साथ भी बदतमीजी ना करने लगे, देन ये पार्टनर भी आपका सही नहीं, क्योंकि हमारा सच्चा साथी वो होता है जो हमारे दर्द को अपना दर्द समझे, ठीक है, और हमारी खुशियों में वो खुश हो। अगर ये पलट के आपको ही जज करते हैं, आपका साथ नहीं देते, या फिर ये भी आपका फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करते, तो ये आपका प्यार नहीं हो सकता है, आपका ये जो भी नया पार्टनर है। सो डिवाइन फेमिनिन बी वेरी केयरफुल कि आप किसको अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हो, ठीक है, दे सेइंग कंसिस्टेंटली आप प्लीज़ अपने आप डिवाइन को जिस भी नाम से पुकारते हो, आपके एंजल्स जो भी है, आपके एंसेस्टर्स, अच्छे वाले एंसेस्टर्स हैं, आप प्लीज़ उनके साथ चेक इन कीजिए, ठीक है, उनके साथ बात करिए, उनके साथ डिस्कस करके ही अपने कदम आगे बढ़ाइए। या यू नीड टू हैंडल द सिचुएशन वेरी मैच्योरली, एंड बिल्कुल भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में नहीं रखना है, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना है आपको, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। कई बार लोग जानबूझ के, उन्हें पता होता है कि आप कितने खुद्दार हो, एंड आप अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करोगे, इसलिए जानबूझ के वो आपको ऐसे पोजिशन में डालते हैं जहाँ पर आप जो चीज़ें आपके राइट्स में आते हैं, लाइक वो आपका हक है, वो चाहते हैं कि वो आप अपना हक छोड़ दो, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, कि आप अपने आत्मसम्मान को लेकर के चलोगे या फिर यू नो अपने हक को लेकर के चलोगे। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इन मैनिपुलेशंस को, कि आपको अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखना है, और आपका एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बींग, आपके जो राइट्स है आपको उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, ठीक है। यू नीड टू, अगर आपको फाइट करनी पड़े, यू विल हैव टू फाइट द गुड फाइट, द रिस्पेक्टफुल फाइट, ओके ना। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय।